डायलॉग जनता घर देख रहे हो, आ जाओ दिखा दूंगा। जनता मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, देखो मुझे व्लॉगिंग का कुछ आइडिया नहीं है, मतलब ए भी नहीं पता और बी भी नहीं पता है, तो ए टू जेड जाने का मतलब उसमें सोच ही नहीं सकता। सो स्टार्ट करता हूँ, कुछ गलती हो रही है तो बालक समझ के माफ कर देना। आज संडे है, संडे समझेंगे तो लोग बोलते हैं चलो घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे केस में। मैंने वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम में, बोला था कि सैटरडे संडे मैं ऑफिस में रहता हूँ। सो जो भी घर देख रहे हैं, जिनको भाव चाहिए, मेरे इन्वॉल्वमेंट से वहाँ पे लाख दो लाख कम हो रहे हैं, तो आ जाओ करा के दे दूंगा। देखो मेरा एक प्रोजेक्ट कांजूर मार्ग में भी चल रहा है, कांजूर मार्ग में वो मेरा सेल्स ऑफिस है, मैं सेल्स ऑफिस में नहीं बैठता हूँ, मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे एचओ में बैठता हूँ। सो अभी एचओ में जा रहा हूँ, अगर तुम घर देख रहे हो, मेरी टीम तुम्हें घर देख दिखा रही है और वो घर तुम्हें पसंद आ रहा है और तुम्हें भाव चाहिए और मेरे इन्वॉल्वमेंट से वहाँ पे लाख दो लाख कम हो रहा है, तो आ जाओ करा के दे दूंगा। चलो हेड ऑफिस जाते हैं, सेल्स ऑफिस नहीं जाना है, सेल्स ऑफिस मैं मतलब एक 15 दिन में एक बार जाता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बाकी मेरी पूरी सेल्स टीम, सोर्सिंग टीम ये सब मैनेज करती है, ये पूरा सब कैटर करती है, जो कस्टमर मुझे जानता है उनको मैंने बता के रखा है, उनको कभी भी सेल्स नहीं करना, मतलब उन कस्टमर के साथ कभी सेल्स नहीं होना चाहिए। जो मेरे को नहीं जानता उनके साथ खेलो ना बॉस, कोई वादा नहीं, लेकिन जो मुझको जानता है उनके साथ मेरी सेल्स वाली टीम कभी भी ऐसा नहीं करती, मतलब डील दे देती है और उसके बाद भी वो कस्टमर मेरे पास आ रहा है। देखो मैं हर एक को कहूँगा कि अगर डील हो रही है और सैटरडे संडे आ जाओ मेरे पास चेक देने के लिए, मैं चेक दे दूंगा। मेरी साइड है, मेरे पास दिया क्या, उनके पास दिया क्या, उनके पास दिया तो मेरे पास ही आने वाला। सो आप एचओ में आ सकते हो, आने के बाद अगर लाख डेढ़ लाख कम भी हो रहा है, मतलब मान सम्मान मेरे से हो रहा है, हो सकता है बॉस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेरी साइड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो मान सम्मान उसमें करा के दे दूंगा, सिर्फ मान सम्मान ज्यादा मतलब वहां पे करोड़ों लगाए हुए हैं। ओके अगर मतलब मेरे प्रोजेक्ट देखोगे ना, भाव बाकी के कॉम्पिटिटर से, मतलब जो बाकी के लोग सेल कर रहे हैं उनसे तो अच्छा है। यस, सो घर देख रहे हो तो मेरी टीम दिखा देगी, लेकिन भाव चाहिए तो भावेश भाई है। अतुल सेल्स ऑफिस जाएगा साइड ऑफिस पे और हम एचओ जाएंगे बॉस, हमारे एचओ वाले ऑफिस पे, साइड ऑफिस पे वो जाएगा, एचओ में हम जाएंगे, क्योंकि एचओ में मैं हर एक साइड पे नहीं जा सकता। देख घाटकोपर में भी चल रहा है, सेंटर में भी चल रहा है, हार्बर में चल रहा है, वेस्टर्न में भी चल रहा है। सो मैं मेरे एचओ में बैठता हूँ, संडे है, लोग मजे कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों के मजे में मजे कर रहा हूँ। बाय। ऑफिस पहुंच गए, जनता एक बहुत सीरियस मैटर है कि मैं जैसे कि इंडिया की तारीफ करता हूँ, देखो इंडिया का खाता हूँ तो इंडिया की तारीफ करना बनता है, जहाँ की मेरे डैडी ने सिखाया है, जैची खावी पोली तैची वाजवावी टाली। सो इंडिया के बारे में मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्ट इन इंडिया, बाहर मत जाओ अपना पैसा लेके रियल इस्टेट में, बहुत से कंट्रीज़ में इंडियंस पैसा डाल रहे हैं और वो कंट्री ग्रो हो रही है, तो उसी कंट्री के लोग मुझे वीडियो बना रहे हैं और मुझे टैग कर रहे हैं, वो वीडियो एक बार वीडियो देख लेना। 7% only 4% ELD return 2-3% in Dubai worst case scenario return will be 8% property resale after handover after paying 40% tax property tax capital gain tax and income tax habibi in Dubai no tax। ये मजे ले रहे हैं, मतलब ये मुझे टैग कर रहे हैं नीचे लोग और बोल रहे हैं कुछ सीखो इनसे, क्या इंडिया इंडिया करते रहते हो, तो उनको बता दूं कि तुम ये जो हवा चल रही है वहाँ पे पिछले साल या उसके पिछले साल भी देखोगे तो
तो इंडियंस है जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में, मतलब दुबई में अगर 100% माल बिका है तो उसमें से 60% पैसा तो इंडियन लोगों का है। सो ड्यू टू इंडिया के कुछ नॉर्म्स और टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स के वजह से, प्रॉपर्टी टैक्स फलाना ढिमकाना, उसके वजह से ये लोग बाहर जा रहे हैं। अगर वो नहीं होगा ना तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, और वो कैसे नहीं होगा उस पर ही काम चल रहा है, मतलब काम हो चुका है। देखो आगे आगे होता है क्या। ओके, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है, सो ये तुम जो बना रहे हो इसके मजे होने वाले हैं, ये तुम देखोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मतलब हवा का रुख बदल चुका है, और स्पेशली एनआरआईस, मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब आपको वो फॉरेन कंट्री से कम फील नहीं देने वाले। ओके, जो वहां पे वो बना रहा है, यहाँ पे भावेश भाई वो बनवा रहा है। ओके, सो वो डेवलप कंट्री है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, सो डेवलपिंग कंट्री में अगर डालोगे पैसा तो ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, और इंडिया नंबर वन इकोनॉमी जाने वाला है। सो आज का डेट है 23 जुलाई 2023। ओके, 23 जुलाई 23 है। सो मैं बोल रहा हूँ आपको कि इंडिया की इकोनॉमी नंबर वन जाने वाली है। ओके, सो इंडिया वापस आ जाओ, और इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सब दिखा सकता हूँ। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताना। देखो ना, एडिटिंग आती है ना व्लॉगिंग आती है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन अगर ऐसे व्लॉग और चाहते हो तो कमेंट में बोलना, भावेश भाई लगे रहो।